What's up guys, welcome to my YouTube channel again, hope you are fine. तो guys जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है एक ड्रोन है, तो ये जो ड्रोन है वो मैंने खुद बनाया था guys, आपने वीडियो भी देखी होगी इसकी। तो आज के वीडियो में बस आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप जो है APM फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड, जैसे कि देख सकते हैं गाइस मेरे पास जो है एक APM फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है APM 2.8। तो इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की आज जो है मैं वायरिंग करके दिखाने वाला हूं गाइस, मतलब ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड ड्रोन में आप कैसे लगा सकते हो, सारी जो वायरिंग है वो बताने वाला हूं। तो हालांकि देखा जाए तो इस फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर मैंने जो सीरीज़ बनाने वाले हैं गाइस, मैंने पहली वीडियो इस APM फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की जो सीरीज़ है उसकी पहली वीडियो में मैंने इसके फीचर्स बताए थे। उस फीचर से आप ये मतलब पहचान सकते हो कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसाइड कर सकते हो। और जो है उस सीरीज़ की ये जो है वो दूसरी वीडियो है जिसमें आपको जो है मैं इस फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड की वायरिंग करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिए गाइस। नेक्स्ट जो है मैं हमारा कैमरा जो है वो क्लोजअप में सेटअप कर लेता हूँ और आपको जो है सारी वायरिंग के डिटेल जो है वो देता हूँ गाइस। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, अगर आपने बीच में ड्रॉप कर दी तो मैं डेफिनेटली श्योर आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने जो है कैमरा क्लोज में सेट कर लिया। तो अब बात करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर की। तो वायरिंग करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें समझ लेनी है। तो सबसे पहले ये जो है हमारा APM बोर्ड हो गया। तो APM बोर्ड के आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो है इनपुट पिंस देख सकते हैं गाइस, इनपुट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे जो इस पिंस को जो है हमें हमारा जो है रिसीवर कनेक्ट करना है, ओके। जो कि हम जो है ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है रिसीवर है। तो ये जो रिसीवर ये हमें APM फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को कनेक्ट करना है इनपुट सिग्नल्स में। और दूसरी बात अगर आप देखें यहाँ पे जो है आउटपुट पिंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट्स। तो आउटपुट्स में जो है हमें हमारे जो ESC रहते हैं ये वाले, आप देख सकते हैं ये वाले ESC, तो उनकी जो पिंस होती है वो आउटपुट सिग्नल में हमें कनेक्ट करनी होती है। तो अगर देखें यहाँ पे तो आपको जो है बहुत सारे पिंस देखने को मिल जाएगी। आप जो है यहाँ पे PM देख सकते हैं, PM मतलब पावर मॉड्यूल, जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को पावर देने में काम करता है गाइस। इसकी जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन है मैंने पिछली वीडियो में दी थी, जिस वीडियो में मैंने इसके जो फीचर्स बताए थे तो उस वीडियो में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये हो गया सारे कनेक्शंस के बारे में, इनपुट और आउटपुट। और अगर हम GPS की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो GPS लिखा आ रहा है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखो 12C, GPS के दो पिंस होती है गाइस, एक पिन जो है GPS में जाती है और दूसरी वाली जो पिन है वो 12C में जाती है। तो ये सारा हो गया GPS और इनपुट और आउटपुट के बारे में। अब जो है हमारा ड्रोन माउंट करते हैं। तो सबसे पहले माउंट करने से पहले आप यहाँ पे गौर करो तो उन्होंने कहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड। तो ये जो है फॉरवर्ड मतलब हमारे ड्रोन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है, जो नोज़ होगा ड्रोन का, तो उसके साइड में आपको ऐसा माउंट कर देना। तो अभी जो मेरा जो ड्रोन है उसकी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो ऐसी है, तो मैं जो है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को ऐसे रखते हुए मेरा जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो यहाँ माउंट कर दूँगा, ओके। तो माउंट करने के बाद में अगर आप ड्रोन ये फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड खरीदें तो उसके साथ में आपको कुछ पिंस मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पिंस होगी गाइस। और फिलहाल तो मेरे पास इस तरीके की पिंस है, कौन सी भी पिन हो आपको जो है ऐसी पिंस लगेंगी जो कि फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में ही अवेलेबल हो जाती है। तो वायरिंग करने से पहले हमें थोड़ा जो है रिसीवर का भी लुक लेना चाहिए, रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। अगर आप यहाँ पर रिसीवर देखो तो आपको रिसीवर में जो है तीन पिन देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो है तीन पिन देखने को मिल जाएगी आपको। तो वो जो पिन है जो तीन पिन, तो उनमें से जो फर्स्ट वाली जो पिन है ना गाइस, फर्स्ट रो सारी की सारी फर्स्ट रो, मतलब आप देख सकते हैं गाइस ये जो सारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो सारी, तो ये जो पिन है ये जो है सिग्नल पिन है गाइस। बीच में जो है बीच में वो सारी प्लस, और जो बाहर के साइड में है वो है माइनस। तो मतलब जो है मैंने अभी बताया कि जो फर्स्ट है वो आपका हो गया सिग्नल, बीच में का हो गया प्लस और लास्ट में का हो गया माइनस, ओके। तो अब जो है हम वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, हमें जो है ऐसी कुछ तरीके की वायर लेनी है। अगर हम वायर में भी फोकस करें तो वायर में भी आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट पिन है ये सिग्नल पिन है, बीच में जो है वो प्लस और जो है हमारी बाहर के साइड में माइनस। तो क्या करना है गाइस, हमें फ्लाइट कंट्रोलर लेना है और उसकी इनपुट में आप देख सकते हैं गाइस इनपुट ये हो गया। तो इनपुट में हमें क्या करना है गाइस, ये जो सिग्नल पिन है ना जी, आप देख सकते हैं वाइट कलर की सिग्नल पिन, वो हमें ऊपर के डायरेक्शन में रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैनल फर्स्ट में ये पिन लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने जो है सिग्नल पिन जो थी मेरी वाइट वाली, ये सिग्नल पिन ये ऊपर की साइड में लगाई है गाइस चैनल नंबर फर्स्ट में, आप देख लो इस तरीके से भी अगर आप देखो तो जो मतलब APM की जो सिग्नल पिन होती है वो ऊपर के डायरेक्शन में होती है। ये हो गई ब्लैक और ये हो गई सिग्नल,
ओके तो ये जो है ऊपर की साइड में कौन सी चैनल में लगा है, चैनल नंबर फर्स्ट में। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमारा रिसीवर लेना है। तो रिसीवर मैंने अभी बताया गया इसकी जो फर्स्ट रो है वो सारी सिग्नल है, तो आपको जो है हमारी पिन थी वो चैनल नंबर फर्स्ट की, तो हमें क्या करना है हमारी जो सिग्नल है, सिग्नल पिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो मैंने इस साइड में दबा दी। ओके गाइस तो देखो जो रिसीवर में मैंने एक ऐसे कनेक्शन दिया जो सिग्नल वाली पिन है वो एक बार फर्स्ट रो में मैंने लगाई, और जो एपीएम फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है उसमें सिग्नल वाली पिन है ऊपर लगाई। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल नंबर फर्स्ट और रिसीवर का चैनल नंबर फर्स्ट। तो ये हो गए सारे चैनल नंबर फर्स्ट के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे चैनल्स की। अब कुछ इस तरीके की पिन आपको मिल जाएगी, अगर आपके फ्लाइट कंट्रोल के साथ में आपको इस तरीके के पिंस मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो है वैसे ही वायरिंग करनी है। तो हमें क्या करना है गाइस, हमने जो है प्लस और जो माइनस है वो अभी नहीं लेना, हमें सिर्फ सिग्नल ही लेना है, जो वाइट वाली वायर है वही कनेक्ट करनी है, क्योंकि हमें बस पावर सप्लाई एक ही बार देना होता है। अगर हम प्लस माइनस सारे जो चैनल से उसको कनेक्ट कर दें तो जो है हमारे रिसीवर को ज़्यादा पावर मिल जाएगी, और इन केस में आपका जो रिसीवर है वो बर्न भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अब बस सिग्नल ही लेना है, मतलब वाइट वायर ही लेनी है। तो हम क्या कर देंगे गाइस, बेसिकली ये जो पिन है मेरी एक जो पिन है वो जो है ऑरेंज कलर की है, तो मैं क्या करूँगा अभी बस सिग्नल में ही लगा दूँगा उसको, चैनल नंबर सेकंड। आप देख सकते हैं गाइस मैंने जो है चैनल नंबर सेकंड में ऊपर में ही लगाई गाइस, आप देख सकते हैं जो नीचे की जो दो पिन से गाइस वो मैंने छोड़ दी। ओके अब हमें बस पहली ही बार में जो है ब्लैक एंड रेड जो वायर होती है, ये वाली ब्लैक एंड रेड, वो बस एक ही बार लगानी होती है, बाद में जो है ब्लैक एंड रेड नहीं लगानी होती है, बस हमें बस सिग्नल ही लेना होता है। तो मैंने क्या किया, बस सिग्नल वायर ली, ये जो सिग्नल है वही वायर ली, तो जो है मैंने वो चैनल नंबर सेकंड में यहाँ पे लगा दी। अब मैं बात करता हूँ रिसीवर की, तो हमारी जो ऑरेंज थी ये जो थी सेकंड नंबर में हमने कनेक्ट की है ऑरेंज, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड, तो मैं ये ऑरेंज लूँगा। और हमारा जो रिसीवर में आप देख सकते हो ये जो रिसीवर है, और उसमें जो है चैनल नंबर सेकंड के सिग्नल में लगा दूंगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने जो है वायर ली और चैनल नंबर रिसीवर का जो चैनल नंबर सेकंड है उसमें जो है लगा दी, बस सिग्नल ही लिया मैंने अभी। ओके गाइस सिग्नल के स्लॉट में चैनल नंबर सेकंड। उसके बाद में वैसे ही आपको जो है थर्ड चैनल का भी करना है, मैं क्या करूँगा अभी एक बार फिर से जो है थर्ड चैनल ले लूँगा कौन सी भी एक वायर से। अब मैंने जो है ये थर्ड चैनल में कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं गाइस एक बार मैं फिर से अच्छे से कनेक्ट कर दूं। तो आप देखिए तो मैंने जो है एक बार थर्ड चैनल को जो पिन है थर्ड चैनल में वो लगा दी, एक बार फिर से मैंने जो है सिग्नल लिया है, प्लस माइनस नहीं लिया। उसके बाद में फिर से आपको वही करना है, आपको जो है येलो वाली वायर चूज़ कर लेनी है, येलो जो कि हमने थर्ड में लगाई थी, येलो रिसीवर के थर्ड में जाएगी, फिर से सिग्नल में आप देख सकते हैं गाइस सिग्नल। वैसे हमें एक बार फिर से कर लेना है, हमें बस फोर्थ चैनल में और रिसीवर के फोर्थ चैनल में। उसके बाद में और हमें एक और पिन लेनी है जो कि फाइव नंबर में जाएगी, फाइव नंबर में और रिसीवर के भी फाइव नंबर वाला जो चैनल है गाइस रिसीवर का फाइव नंबर वाला, उस फाइव नंबर में जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो है हमारी जो रिसीवर की जो वायरिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, रिसीवर की वायरिंग। अब बात करते हैं जो आउटपुट है उनके बारे में, मतलब जो ESC को जो वायर हमें जोड़ने हैं उनके बारे में। तो ये जो है हमारे सबसे पहले तो हम ESC को देख लेते हैं। तो ये जो हो गया मेरा ड्रोन, ये जो है फर्स्ट वाला ESC है, ये सेकंड वाला आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब मोटर नंबर फर्स्ट, मोटर नंबर सेकंड, मोटर नंबर थर्ड और मोटर नंबर फोर्थ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ESC की वायर लेनी है। अगर आप ESC की वायर देखें तो आपको कुछ सेम तरीके की मिल जाएगी, वाइट रेड एंड ब्लैक। तो ये जो है वायरिंग आसान है गाइस, मतलब बहुत ही इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले ESC नंबर फर्स्ट की वायर लेनी है, और APM बोर्ड में आप देख सकते हैं गाइस ये आउटपुट, APM बोर्ड का जो आउटपुट है, आउटपुट ने आपको चैनल नंबर फर्स्ट में आपको जो है ESC की वायर जोड़ देनी है।
तो गाइज अगर आप ध्यान से गौर करें तो मैंने एक बार फिर से जो सिग्नल है वह ऊपर ही लिया है। हमें एपीएम फ्लाइट कंट्रोलर में सिग्नल पिन जितनी भी होती है, मतलब जो भी व्हाइट कलर की पिन होती है सिग्नल पिन, वो ऊपर ही लगानी होती है, उसी जो डायरेक्शन है वो ऊपर ही होनी चाहिए। तो मैंने चैनल नंबर फर्स्ट में ये जो पिन है वो लगा दी, ESC नंबर फर्स्ट की पिन चैनल नंबर फर्स्ट में। अब ESC सेकंड लगे उसका भी आपको सेम तरीके से चैनल नंबर सेकंड में लगा देना है। ESC सेकंड एक बार सेम तरीके से मैंने जो है वाइट वायर ऊपर की साइड में ली, उसके बाद में ये जो है ESC सेकंड थर्ड, तो ESC जो थर्ड है वो थर्ड ESC की भी जो हमारी जो वायर होती है वो हमें चैनल नंबर थ्री में आउटपुट पिन, आउटपुट का जो हमारा चैनल है थ्री, उसमें लगा देनी है। बाद में बारी आती है फोर की, ये जो है ESC 4, तो आपको जी सेम कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है चारों के चारों ESC जोड़ दिए हैं और चारों ESC की जो सिग्नल पिन है वाइट कलर की पिन वो ऊपर के डायरेक्शन में है। तो ये जो हो गया बेसिक सा हमारा सारा फ्लाइट कंट्रोलर का कनेक्शन। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में गाइस हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है सारी जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है उसके बारे में सारे प्रोग्रामिंग बताऊंगा, मतलब आप जो है मिशन प्लानर को कनेक्ट करके इस फ्लाइट कंट्रोलर को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो उसके बारे में जो है मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, अगर आपने बीच में वीडियो ड्रॉप कर दी तो आपको नहीं समझेगा, वो वीडियो भी पूरी तरीके से देखिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।